हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लक्की कुमार। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फायदा, और लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान, और परसेंटेज का मतलब तो पता ही है, प्रतिशत। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था परसेंटेज ऑफ दी लैंग्वेज क्वेश्चन, कि परसेंटेज के अपन कैसे लैंग्वेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो तो अपन ने वीडियो बना ली थी कि भाई परसेंटेज के लैंग्वेज क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन सीखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, परसेंटेज की भी वीडियो बना ली। अब प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं परसेंटेज, और लॉस का कैसे निकालते हैं परसेंटेज, वो भी जानेंगे, एंड प्रॉफिट लॉस क्या होता है वो भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट जानते हैं। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग मतलब बेचना और प्राइस मतलब दाम, ठीक है। तो बेचने वाला दाम और खरीदने वाला दाम, कॉस्ट मतलब खरीदने वाला, कॉस्ट प्राइस भाई अपन ने कितने में उसको खरीदना, तो खरीदने वाला दाम। जो बेचने वाला दाम कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाले दाम से ज़्यादा होगा तो अपन को उसमें होगा प्रॉफिट, और जब अपन को खरीदने वाला दाम कम ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस बेचने वाले दाम से, खरीदने वाला दाम ज़्यादा होगा बेचने वाले दाम से, तो अपन को उसमें होगा लॉस। और जब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल प्रॉफिट अपना दिया हुआ है कि जैसे टोटल प्रॉफिट अपना 200 दिया हुआ है इनटू 100। अब कभी भी अपन किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो अपन उससे उसको अपन करते हैं 100 में इंटू करते हैं, ठीक है, 100 से इंटू करते हैं, और अपॉन में करते हैं कॉस्ट प्राइस। अब देखो, इधर अपन को प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज तो इधर टोटल प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस परसेंटेज तो टोटल लॉस आ जाएगा, ठीक है, बाकी बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अपन को कोई चीज़ 200 रुपये में अपन को उसको खरीदी, मतलब अपन ने उसको कॉस्ट प्राइस अपन ने उसको खरीदी 200 रुपये में, और उसको बेचा उसको 400 रुपये, नहीं वो अपन ने चीज़ 400 रुपये में खरीदी, 400 रुपये में खरीदी और उसको बेचा 200 रुपये में, तो कितने रुपये का अपन को प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, सीपी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। देखो अभी भी सीपी अगर जैसे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस अपनी क्या है, इधर मान लो सेलिंग प्राइस अपन 400 लेके चलते हैं, अगर 400 लेके चलेंगे तो भी इधर 200 इधर 400 आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अपन क्या करते हैं, इधर 200 ऊपर रखते हैं और इंटू 100 करते हैं और अपॉन में 400 करते हैं, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 110 और 25 10 और 0 0 तो 50% इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब लॉस कैसे निकालते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस अपन को दे रखी होगी जैसे 600 दे रखी होगी, और सेलिंग प्राइस अपन को दे रखी होगी 300 रुपीज़, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है 300 रुपीज़। अब माइनस किया 300 रुपीज़ बचा, 300 अपन को लॉस हुआ, एंड 600 सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी है ना कॉस्ट प्राइस है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 टाइम 6 5 30, तो 5 टाइम और 0 0 ठीक है, तो 50% इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका 50% आंसर आ गया। तो इस तरह से लॉस और परसेंट निकालते हैं, ठीक है। अब अपन इसके एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, कि किस तरह से प्रॉफिट के मतलब कि क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से लॉस के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सीखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एग्जांपल ले रहे हैं प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट की कैसे मतलब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 400 रुपीज, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 500 रुपीज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब अपन को ये तो पता लग गया कि भाई इधर प्रॉफिट है, इसका आंसर प्रॉफिट आ रहा है, ये मतलब कि इसका प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो अपना प्रॉफिट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो अपना प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से तो अपना लॉस होता है। तो इधर क्या, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब सेलिंग प्राइस 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़, मतलब कि अपन को ये तो पता लग गया कि अपना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इक्वल 500 माइनस 400 अपॉन 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट
प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट इंटू 100। कभी भी किसी को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 में इंटू करते हैं, ठीक है, 100 से इंटू करते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो 100 अब इंटू 100 है, माइनस करने पर 100 प्रॉफिट इंटू 100 कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 400 रुपीज। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 4 1 10 100 अगर आपको नहीं समझ आया हो तो वापस से वीडियो को देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉस गए। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है लॉस। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना लॉस। अब लॉस के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो अपन लॉस के देखेंगे। बिल्कुल सेम होता है, कुछ नहीं होता। जो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाती है, कभी भी मैंने आपको बताया था, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो अपना क्या होता है? लॉस होता है। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो अपने क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का तो अपने सॉल्व कर ही लिया, अब लॉस का सॉल्व करते हैं। लॉस तो अपन को इधर कॉस्ट प्राइस ज्यादा दी गई है सेलिंग प्राइस से, तो अपना क्या हुआ? लॉस हुआ। सो अपन को ये तो पता लग गया कि अपना लॉस हुआ, ठीक है। सो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये 800 माइनस 400 इक्वल्स टू 400 रुपीज, ठीक है। लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल लॉस बस चेंज हो जाता है। अगर इधर प्रॉफिट परसेंटेज होता तो इधर परसेंट प्रॉफिट आ जाता, टोटल प्रॉफिट इंटू 100। बस एक यही चेंज होता है, लॉस में प्रॉफिट चेंज होता है, बाकी बिल्कुल फॉर्मूला डिटो होता है, ठीक है। तो टोटल लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, सो इक्वल्स टू आपको 400 रुपीज तो अपन को क्या दिया गया? लॉस दिया हुआ है। इंटू 100 किया, कभी भी किसी चीज को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, एंड परसेंटेज को अगर किसी भी नंबर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? अपन डिवाइड में 100 करते हैं, ठीक है। तो इंटू 100 किया अभी, और अपन में 800 कॉस्ट प्राइस करते थे, 800 कॉस्ट प्राइस 20 से 20 गए, एंड 8 1 10 8 5 40 और 0 50% आंसर। सो होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इनके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो लगे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।